तो नमस्कार आप सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी किस ओर जाने वाली है। 1932 ये वो साल है जब हमारी राष्ट्रीय टीम ने पहली बार क्रिकेट खेला था, और लाजमी है कि शुरुआती कुछ साल हमारे अच्छे नहीं गए। अगले 50 सालों में हमने 196 मैचेस खेले और महज 35 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाए थे। देखा जाए तो 1975 में ग्लोबली क्रिकेट की तस्वीर बदलनी शुरू होती है। इंग्लैंड में होता है पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसे वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम करती है। भाई वेस्टइंडीज का आतंक ऐसा था उस समय कि सभी बल्लेबाज डरते थे, और यही हमें देखने को मिला 1979 में, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप घर ले गई थी। और दोस्तों फिर आता है 1983 का वर्ल्ड कप, वो साल जो भारत और भारतीयों के दिलो दिमाग में क्रिकेट का जुनून ला देता है। भाई शुरुआत में तो भारत को एक कमजोर टीम ही माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है भाई, इंडियन क्रिकेट टीम का रोमांचक सफर ना सिर्फ उन्हें फाइनल की ओर लेके जाता है, बल्कि फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनता है। और यही जीत आगे चल के सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कुंबले, एमएस धोनी, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों के जहन में क्रिकेट की भूख पैदा करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं उसी ऐतिहासिक रोमांचक सफर पे, और बताएंगे टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में हर एक मैच की अद्भुत दास्तां, जो कि डेफिनेटली आगे चल के सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ या फिर कहे एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों में जीत की क्रिकेट की भूख पैदा करती है। इस प्रोडेंशियल वर्ल्ड कप में इंडिया की शुरुआत होती है 9 जून से, और वो भी भैया डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ। दोस्तों क्रिकेट से जुड़े हर शख्स को मानो टीम इंडिया की हार सामने दिखाई दे रही थी। मुकाबला शुरू होता है और टीम इंडिया 76 रनों पर अपने टॉप 3 बल्लेबाज को खो देती है, और फिर 6 रन बनाकर कपिल देव भी पवेलियन चले जाते हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में यशपाल शर्मा की 120 गेंदों में 89 रनों की संघर्षपूर्ण पारी, लोअर ऑर्डर में रॉजर बिन्नी और मदन लाल का सपोर्ट, एक जुझारू पारी का अंत स्कोरबोर्ड पर 263 रनों का टारगेट के साथ करता है। दोस्तों बारी थी गेंदबाजों की, और शायद स्कोरबोर्ड पर लगे रन उनके जोश का स्रोत बने थे। दोस्तों इंडिया के माफिक वेस्टइंडीज का टॉप ऑर्डर भी लड़खड़ा जाता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्टइंडीज भी 76 रन्स पे अपने 3 विकेट खो देती है। दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियंस एक कमजोर टीम के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर होती जा रही थी, और 228 रन पे ऑल आउट हो जाती है। रवि शास्त्री और रॉजर बिन्नी वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में 3-3 विकेट अपने नाम करते हैं। अब दोस्तों 11 जून को इंडिया का सामना हो रहा था जिम्बाब्वे के खिलाफ, और महज दूसरे ही मुकाबले में टीम इंडिया को लेकर सभी की सोच बदल चुकी थी। भाई एक कमजोर टीम से अब लोग जीत की आस लगा रहे थे, और टीम इंडिया भी इस बार सभी की उम्मीदों पे खरी उतरती है, जिम्बाब्वे को 155 रनों पर ढेर कर देती है। इस मैच में 3 विकेट के साथ मदन लाल की दूती एक बार फिर बोलती है, और रॉजर बिन्नी की फॉर्म बरकरार रहती है। लेकिन दोस्तों किसे पता था कि 156 रनों का पीछा करने वाली टीम इंडिया एक बार फिर अपने टॉप ऑर्डर को लेकर निराश हो। गावस्कर 4 और श्रीकांत 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। हालांकि इस बार मोइंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल मोर्चा संभालते हैं। 69 रनों की पार्टनरशिप के चलते टीम इंडिया 5 विकेट से एक आसान जीत दर्ज करने में सक्सेसफुल रहती है। फिर आती है दोस्तों तारीख 13 जून। ये वो दिन था जब टीम इंडिया की रफ्तार को पहली बार झटका लगता है, क्योंकि सामने थी ऑस्ट्रेलिया। पहले बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनर ट्रेवर चैपल ने भैया सारे घोड़े खोल दिए थे, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11 चौकों की मदद से 110 रन बनाए। शुरुआत तो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी होनी ही थी, क्योंकि दूसरी ओर से केम ह्यूज ने 52 रन ठोके थे, जिसके बाद दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला तो जरूर शुरू होता है। लेकिन दूसरी ओर ग्राहम येलो 66 रन बनाकर टीम को एक विशाल काय स्कोर पर ला खड़ा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया 320 रन स्कोरबोर्ड पर डाल देती है। लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात जरूर होती है, कपिल पाची फॉर्म में आ रहे
रहे होते हैं और गेंदबाजी करते हुए वो 5 विकेट चटका देते हैं। अब दोस्तों एज यूजुअल दो मुकाबलों में जब टॉप ऑर्डर नहीं चला था तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी को उम्मीद कैसे थी। यहाँ पर भी टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद मिडिल ऑर्डर के संघर्ष करने के बाद कपिल बाजी 7th डाउन आते हैं, 40 रन जरूर बनाते हैं लेकिन एज एक्सपेक्टेड इंडिया 162 रनों से हार जाती है। अब दोस्तों इस वर्ल्ड कप में एक छोटी सी तब्दीली करी गई थी। हर टीम को ग्रुप स्टेज में बाकी दो टीम से दो दो मुकाबले खेलने थे, यानी कि अपनी टीम इंडिया को एक बार फिर वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का सामना करना था। ठीक दो दिन बाद पेडिंगटन ओवल में इंडिया वेस्ट इंडीज का सामना करती है। भाई इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी और वो अपने हार का बदला लेना चाहते थे। शुरुआत में ही कपिल देव मात्र 17 रनों पर वेस्ट इंडीज का पहला विकेट गिरवा देते हैं, लेकिन दोस्तों यहां से 118 रनों तक विकेट का जो अकाल पड़ता है वो डेफिनेटली टीम इंडिया को झकझोर के रख देता है। और ये मानिए कि वेस्ट इंडीज का टॉप ऑर्डर पूरी टीम इंडिया पर कहर बरसा रहा था। पहले सर विव रिचर्ड्स की 119 रन की पारी और फिर क्लाइव लॉयड की 41 रनों की पारी के बदौलत टीम 283 रनों का लक्ष्य सामने रखती है। टीम इंडिया की ओर से एक बार फिर रॉजर बिन्नी की तरफ से शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, जो कि 3 विकेट अपने नाम करते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में इंडिया जो है वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करती है। श्रीकांत के साथ इस बार रवि शास्त्री को ओपन करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन एज यूजुअल भाई 21 रनों पर 2 विकेट गिर जाते हैं और भाई लोग मानिए जैसे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर पर 7.5 लगी थी। हालांकि मोहिंदर अमरनाथ की 80 रनों की जुझारू पारी और दिलीप वेंगसरकर के सपोर्ट के साथ एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि इंडिया के जीतने के चांस अभी भी बरकरार है, लेकिन जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज वापस पवेलियन पहुंचते हैं भाई वेस्ट इंडीज इंडिया को संभलने का मौका ही नहीं देती। बैक टू बैक विकेट गिरते हैं और इंडिया 66 रनों से हार जाती है। भाई लोग 18 जून ये वो तारीख थी जब इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला खेलना था, जो कि आगे चल के एक आइकॉनिक मैच बनता है। वो कैसे आइए जानते हैं। भाई अभी तक के हालात तो ऐसे थे कि पहले दो मुकाबले जीत गई थी टीम इंडिया, फिर लगातार 2 मैचेस हारी है, अब बारी है जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रदर्शन करके एक बार फिर जीत के रास्ते पर वापस आने की। लेकिन दोस्तों टॉप ऑर्डर से तो हमें उम्मीद ही नहीं थी और मिडिल ऑर्डर भी इस बार भाई प्रदर्शन करता नजर नहीं आता है। मात्र 17 रनों पर जिम्बाब्वे 5 विकेट चटका देती है इंडिया के। मानो पल भर में ही पलक झपकते ही जिम्बाब्वे ने त्राहिमाम मचा दिया था। लेकिन दोस्तों मामला अभी हाथ से निकला नहीं था भैया, क्योंकि क्रीज पर डटे थे भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव। भारत 78 रन पर 7 विकेट डाउन थी, लेकिन कपिल पाजी कहां रुकने वाले थे। 6 छक्के, 16 चौके और 138 गेंदों पर ताबड़तोड़ 175 रन एक कप्तानी पारी के चलते टारगेट मिला जिम्बाब्वे को 267 का। दोस्तों ये एक आइकॉनिक पारी है जो कि कपिल देव की कभी कोई देख ही नहीं पाया। भाई बीबीसी जो कि ब्रॉडकास्टर थे उस टाइम पे, वो नेशन वाइड स्ट्राइक पर चले जाते हैं और ये मुकाबला कभी दर्ज ही नहीं होता है। हालांकि इस मुकाबले में भी जिम्बाब्वे की सदी हुई शुरुआत ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। 103 रनों पर टीम 5 विकेट खो देती है। यहां पर दोस्तों एक बार फिर मदन लाल और रॉजर बिन्नी की गेंदबाजी एक बार फिर रंग लाती है। दोनों 5 विकेट चटकाते हैं और इंडिया 31 रनों से जीत दर्ज करती है। अभी दोस्तों इंडिया को ग्रुप स्टेज का एक आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना था। ये एक जीत इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट मुहैया करा सकती थी। दोस्तों शुरुआत में लगा था कि इस बार टॉप ऑर्डर बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन 65 रनों पर ही टीम 3 विकेट खो देती है। इसके बाद दोस्तों फुर्ती दिखाते हुए मिडिल ऑर्डर सिचुएशन बदलने की पुरजोर कोशिश करता है। यशपाल 40, संदीप 30 और कपिल देव के 28 रन टीम को 247 रन पर ला खड़ा करते हैं। भाई लोग ठीक दो मुकाबले अगर हम पीछे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया से मिली 162 रनों की हार अभी भी जहन में ताजा थी और शायद सभी को ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की ओर जाता नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों एक चीज साफ है, इस पूरे वर्ल्ड कप में मदन लाल और रॉजर बिन्नी मानो संकट मोचन बन के सामने आए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 4-4 विकेट अपने नाम करे थे और ऑसीज 129 रन पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों ग्रुप स्टेज के इस मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जो कि सिर्फ इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने आई थी, अब शायद वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देख रही थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पर 118 रनों की जीत दर्ज करने के बाद इंडिया सेमीफाइनल में खेलती है इंग्लैंड के खिलाफ और यहां पर उनका बॉलिंग अटैक एड़ी चोटी का जोर लगाकर इंग्लैंड को 213 रनों पर रोक देता है। इस दौरान कपिल देव 3 विकेट, रॉजर बिन्नी और मोहिंदर अमरनाथ 2-2 विकेट अपने नाम जोड़ते हैं। दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड कप में टॉप ऑर्डर तो कभी चला ही नहीं था। इस बार टीम 50 रन पे 2 विकेट जरूर होती है, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ के 46 रन,
यशपाल और संदीप की हाफ सेंचुरी टीम को 6 विकेट से जीत दर्ज कराती है। सेमीफाइनल में एक ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिलता है जिसके चलते टीम इंडिया फाइनल का टिकट कटाती है। और फिर आती है वो तारीख 25 जून क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में तीसरे वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू होता है इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज। खिताबी भिड़ंत के लिए दोनों टीम्स इस वर्ल्ड कप में तीसरी बार आमने सामने होती है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस तो दूसरी ओर पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाने और कुछ भी कर गुजरने को तैयार टीम इंडिया। दोस्तों फाइनल का बिल्डअप तो बहुत अच्छा है लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत वैसी ही होती है जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था। गावस्कर 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं जिसके बाद अमरनाथ और श्रीकांत दोनों मिलकर टीम का स्कोर 50 रन तक जैसे तैसे पहुंचा पाते हैं। दोस्तों वेस्टइंडीज के बॉलिंग अटैक के सामने टीम इंडिया इंग्लिश वाला सफर कर रही थी और मानो फाइनल का प्रेशर इंडियन बल्लेबाजों पर सर चढ़कर बोल रहा था। और इसका अंदाजा आप मोहिंदर अमरनाथ की बल्लेबाजी से लगा सकते हैं जो कि 80 गेंदों पर मात्र 26 रन बना पाए थे जिसके बाद टीम इंडिया 1983 के वर्ल्ड कप में मात्र 183 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। भाइयों के टारगेट को देखते हुए उस वक्त पे हर कोई वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप अपने हाथ में लेता दिखाई दे रहा था लेकिन दोस्तों टीम इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड कप में अपने बॉलिंग अटैक के चलते एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करती जा रही थी वो कैसे चुप बैठ सकती थी। वेस्टइंडीज 66 रनों पे अपने 5 विकेट खो देती है। विव रिचर्ड्स और क्लाइव लेविट जैसे बल्लेबाज 33 और 8 रन बनाकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। ये 2 विकेट टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक को दोस्तों मानिए और ज्यादा घातक बना देते हैं। अगर स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे तो दोस्तों मदन लाल अमरनाथ दोनों 3-3 विकेट, बलविंदर संधू 2, कपिल देव और रॉजर विन्नी 1-1 विकेट चटकाते हैं और विंडीज 140 रनों पर समेट जाती है। और दोस्तों इंडिया उस वक्त की सबसे अलग दर्जे की टीम 2 बार की चैंपियंस को डी थ्रोन करके वर्ल्ड चैंपियन बनती है। इस एक जीत ने भारत में इस खेल को एक नई दिशा दिखाई थी। भाइयों का ग्रैंड सैल्यूट टू ऑल दोस 14 मैन जिन्होंने पूरे देश को बतलाया कि हम भी जीतने की वर्ल्ड चैंपियन बनने की कुव्वत रखते हैं। इस एक जीत ने आगे चलकर भारत को कई महान खिलाड़ी दिए। तो दोस्तों ये तो कहानी थी 1983 वर्ल्ड कप की जिसने इस देश को इग्नाइट किया था, जिसने बताया था कि भाई हम भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। इस करंट वर्ल्ड कप में भाई लोग आप इंडिया के खिलाफ कौन सी ऐसी टीम को देख रहे हैं जो फाइनल में खेलती नजर आएगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।